भी हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी हमारे महाविद्यालय आते हैं उनके सभी विद्यार्थी आज खेलने के लिए आ रहे हैं। एथलेटिक्स के हमारे यहाँ विद्यार्थी जो खिलाड़ी हैं वो उसमें भाग लेंगे। लगभग 1150-1150 खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं। और यहाँ खेलने के बाद जो हमारे यहाँ टीमें गठित होंगी उसके बाद पूरे नेशनल स्तर पर खेलने के लिए जाएंगी। तो मैं समझता हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय की हमारी जो पहल है निश्चित रूप से राजस्थान के खिलाड़ियों को उसको प्राथमिकता प्रोत्साहन का काम हम लोग कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के तर्ज पर जो पूरे देश में नौजवानों को आगे बढ़ाने का जो एक प्रयत्न किया है उसी के अंतर्गत हमारे नियमित रूप से जिस प्रकार से हमारे विश्वविद्यालय हमारे विद्यालयों में गेम्स के कार्यक्रम होते रहते हैं उसी के अंतर्गत हमने आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें हम सब लोग भाग लेने के लिए आए हैं। मैं सभी छात्रों को खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से आप यहां पूरी तैयारी के साथ अपने मैचों खेलें और बढ़कर आगे बढ़कर जहां नेशनल स्तर पर जो खेलों का आयोजन होगा उसमें राजस्थान के साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय का जो एक बड़ा नाम रहा है हमेशा तो राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे और शुम के लिए भी खेलेंगे क्योंकि खिलाड़ियों में जो प्रतिभा होती है और जब नियमित रूप से खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के जो मार्ग हैं प्रशस्त होते हैं। तो आज उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम हमने रखा है उसमें शामिल होने के लिए हम सब लोग आज यहाँ आए हैं। देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय का मैंने पहले भी कहा बहुत बड़ा नाम देश में है और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर निकले ऐसे विद्यार्थी निकले जो पूरे भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ साथ खेलों में बहुत आगे तक लेकर इस विश्वविद्यालय को गए हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय में वास्तव में बहुत ज़्यादा खेलों की दृष्टि से डेवलपमेंट की आवश्यकता है। अभी हमारे पिछली बार जब मैं कार्यक्रम में आया था तो यहाँ के हमारे कुलपति जी ने भी कहा था साथ साथ हमारे खेल बोर्ड की सचिव डॉक्टर प्रीति जी ने बताया मुझे। अभी बजट हमारा आने वाला है और प्रयास इस बात के लिए हम करेंगे कि यहाँ कोई बड़ा खेलों की दृष्टि से पैसा हमारी राजस्थान की सरकार भजनलाल जी शर्मा की सरकार यहाँ पैसा कुछ खर्च करे और निश्चित रूप से बजट में कुछ ना कुछ लेने का हम अच्छा प्रयास करेंगे इस बात के लिए मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ क्योंकि मैं सिंडिकेट के साथ साथ खेल बोर्ड का चेयरमैन भी हूँ और विधायक भी हूँ। इस नाते से मेरा भी दायित्व बनता है कि हमारे विश्वविद्यालय का नाम रो हमारे जितने खिलाड़ी यहाँ राजस्थान से खेलने के लिए आते हैं उनको सारी सुविधाओं का उपयोग वो कर सके इसके लिए हम प्रयास निश्चित रूप से हमारी राजस्थान की सरकार से करें। जी ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय श्री प्रोफेसर अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में एक बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। आप सभी के समक्ष आप देख भी रहे हैं लगभग 100 से अधिक महाविद्यालयों के पुरुष एवं महिला खिलाड़ी जिनकी संख्या अनुमानित जो है वो 1100 से 1500 है वो इसमें प्रतिभागिता करेंगे। लगभग 24 से अधिक विभिन्न प्रकार की एथलेटिक्स की टूर्नामेंट की गतिविधियाँ इसमें होंगी। तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा देखिए इस ये जो प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है जो मैं ये 1100 से 1400 नंबर बता रही हूँ आपको इनमें से उन चुनिंदा खिलाड़ियों का चुनाव होगा गठन होगा जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय का और राजस्थान का मान सम्मान ऊपर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स वगैरह में बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हमें राजस्थान विश्वविद्यालय को लेकर जाएंगे। देखिए ये बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे एक सकारात्मक पहल है और वाक्य है। हम पहले भी इस तरीके के कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते रहे हैं लेकिन क्योंकि सर का काफ़ी सपोर्ट है हमें माननीय कुलदीप धनखड़ जी का और वो लगातार हमारे कांटेक्ट में रहते हैं तो ये बात सही है वो कह रहे हैं और हम इस तरीके से प्रयासरत हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध मतलब अवेलेबल हैं उनकी उपयोगिता सिर्फ विश्वविद्यालय के लोगों तक ना रहे वो विश्वविद्यालय के
बाहर जो समाज है उनके सामने भी रहे। ये मैं धन्यवाद देती हूँ उनको, और बड़े हैं घर के, बड़े हमेशा बच्चों में अच्छा ही देखते हैं, तो उनका धन्यवाद करती हूँ। और उसके पीछे कारण ये है कि इस बार राजस्थान खेल बोर्ड ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हाल ही में हमारे 6 छात्र जो क्रॉस कंट्री खेलने गए थे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है, शायद इसीलिए उन्होंने ये पग पहने वाली बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद।